डियर स्टूडेंट्स आज के मॉड्यूल में हम फाइलम निमाटोडा के एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस करेंगे निमाटोडा ग्रीक वर्ड निमेटोस यानी थ्रेड लाइक वर्म्स इससे डिराइव किया गया है इसको राउंड वर्म्स भी हम कह देंगे और ये एनिमल्स जो हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स ऑन द अर्थ इसमें फाइव बिलियन हर एकड़ के अंदर ये एनिमल्स मौजूद हैं कोई भी आप फर्टाइल सॉयल गार्डन देख लें उसके अंदर निमाटोड की तादाद ता आपको नजर आएगी नंबर इसका राउंड वर्म्स का स्पीशीज जो हैं दे नॉर्मली रेंज सिक्सटीन थाउजेंड टू फाइव मिलियन इसके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं राउंड वर्म्स दे फीड ऑन एवरी कंसेप्ट जो भी इनको फूड का सोर्स मिल जाए गार्डन के अंदर उसको ये एज अ फूड यूज़ कर लेंगे ऑर्गेनिक मैटर से लेके इनऑर्गेनिक मैटर्स तक इनका फ़ूड है समटाइम्स स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के लिविंग टिश्यूज़ को भी ये एज अ फूड यूज़ करेंगे वर्टिब्रेड्स इन प्लांट्स डेब्रेस कोई भी जो है दैट कैन एक्ट एज फूड ऑफ राउंड वर्म्स दे रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू अडल्ट एनिमल्स और अडल्ट जो हैं दे कैन बी ऑफ वन मीटर लॉन्ग ज़्यादातर निमाटोड जो हैं वो पैरासाइट्स हैं प्लांट्स के एनिमल्स के पैरासाइट्स के अलावा मोस्टली जो इनकी पॉपुलेशन है दैट इज़ फ्री लिविंग फ्री लिविंग मेरीन इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं सॉयल में भी रह सकते हैं हर तरह की हैबिटेट के अंदर हमें राउंड वर्म्स मिलेंगे सम निमाटोड जो हैं दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स इन सॉइल एंड इन बॉटम सेडिमेंट्स टू कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं निमाटोड्स के एक तो निमाटोड्स जो हैं और आर्थ्रोपोड्स जो हैं इनके अंदर सीलिया मौजूद नहीं होंगे और दूसरे जो इनके स्पर्म्स हैं दे आर अमीबॉइड और जोलोजिस्ट जो हैं नॉर्मली रिकग्नाइज टू इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ निमाटोड्स ट्रिपलोब्लास्टिक हैं बाईलैट्रल है वर्मी फॉर्म है वर्म इन अपीरेंस हैं लॉन्ग हैं स्लेंडर हैं अनसिगमेंटेड हैं सोडोसिलोमेट्स हैं इनकी बॉडी जो है दैट इज नॉर्मली राउंडेड इन क्रॉस सेक्शन बॉडी इज कवर्ड बाय एन कवरिंग दैट कवरिंग इज कॉल्ड क्यूटिकल और ये क्यूटिकल जो है यूजुअली जुबिनाइल फॉर्म में मौजूद होगी और ये एनिमल की ग्रोथ में हेल्प करेगी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ इज़ सराउंडेड बाय लिप्स

सेलेंड्रिकल एलोंगेटेड एंड इट टैपर्स बोथ हैंड्स एंटीरियर और पोस्टीरियर हैंड से दिस विल शो टैपरिंग बिहेवियर ज़्यादातर निमाटोड जो हैं नॉन सेलुलर कोलेजीनियस क्यूटिकल रखेंगे क्यूटिकल जो है दिस इज कंटिन्यूस विद द फोरगर्ट हाइंड गर्ट सेंसरी ऑर्गन एंड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यूटिकल दिस कैन बी स्मूथ और इट मे बी कंटेन्स स्पाइंस, ब्रिसल्स पेपीलाय ये सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसकी सरफेस पे मौजूद होंगी ये स्मॉल हैं निप्पल लाइक प्रोजेक्शनज हैं वार्ड्स हैं रिजिज हैं दे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये जो भी इसके एक्सटर्नल बॉडी पर प्रजेंट हैं टेक्सोनिस को इनकी आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करते हैं और इसी की बेस पे इसकी डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है क्यूटिकल इज कम्पोज ऑफ थ्री लेयर्स कॉर्टेक्स मैट्रिक्स लेयर और बेजल लेयर इसमें डायग्राम में आप देखें फाइलम निमाटोडा के एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं दे आर क्वाइट प्रोमिनेंट शेप आप इसकी देखें द बॉडी इज़ टेपरिंग एट बोथ हैंड्स इसके अंदर स्ट्रक्चर्स में आपको ये गोनोफोर एनस माउथ फेरेंस इंटस्टाइन ओवरी यूट्रस एग्स दीज आर द स्ट्रक्चर क्वाइट प्रोमिनेंट फिर इसमें आप देखें लिप्स बकल कैविटी नर्व रिंग स्लाइवरी ग्लैंड सेमिनल वेजिकल्स पिक्यूल्स और इसके मस्कुलर लेयर जो है सबसे ऊपर आप देखें लिपड लेयर आउटर कॉर्टेक्स बेजल लेयर ये सारी इसके अंदर मस्कुलर लेयर रिंग कैनल तो दिस डायग्राम शोज अ क्वाइट प्रोमिनेंट फीचर्स एक्सटर्नल फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन निमेटोड्स और इनकी इंटरनल बॉडी लाइनिंग जो है दिस इज शोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन